अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खुद ऑफिस से होंगे। तो आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी कैनवा का कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने किसी भी किस्म के बिजनेस कार्ड, फ्लायर, ब्रोशर, किसी भी किस्म की डिजाइनिंग को हमने किस तरीके से करना है। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। तो आज हमारे पास कैनवा का लेक्चर नंबर है 1, जिसके लिए हम देखेंगे कि हमने इसका जो कैनवा का एक इंट्रोडक्शन करेंगे, दूसरा इसका ओवरव्यू करेंगे सारे कैनवा के, जो कुछ भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक सिंपल सी एक जीमेल है, जैसा कि अगर आप लोग देख सकें ये मेरे पास एक सिंपल सी जीमेल है। मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मैं लिखूंगा जी अपना जो भी आपका कैनवा है। तो हमने कैनवा को यहाँ पे सर्च कर लेना है canva.com। हमने कैनवा के ऊपर सारी डिजाइनिंग करनी है, तो आपने सिंपल बस यहाँ पे लिखना है canva.com। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके ऊपर आप सारे का सारा अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क कर सकते हैं, मगर इसके अंदर कुछ लिमिटेशन है जो कि आपके पास आ जाती हैं, जो कि प्रो हैं, जो पेड हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आज पहली बार इसको ओपन किया, जैसा कि मैंने पहले अपनी अनदर वेबसाइट, अपनी कोई और जो सी जीमेल है उसके ऊपर यूज़ करता हूँ, मगर मैंने इसलिए किया है ताकि बिल्कुल न्यू जीमेल मैंने यूज़ किया, ताकि आप लोगों को भी, अगर आप लोगों ने भी पहली बार करना है तो आपको पता लग सके तो पहले हमने क्या करना है। तो सबसे पहले आते साथ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पर आपको कहेगा कि इसको हमने कंटिन्यू करना है, तो आप इसको बेशक कंटिन्यू कर दें, नो इशू, और ये 1 से 2 मिनट के अंदर खुद ही वेरीफाई करके ओके कर देगा। अगर हम थोड़ा सा ही देखें, खुद ही अभी इसको रिफ्रेश करेगा जब आप इसको नीचे करेंगे, कुछ यूज़ करने की कोशिश करेंगे, और ये 1 से 2 मिनट की जितना आपका इंटरनेट है उतनी आपसे लोडिंग लेगा, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और ये सारे का सारा आपका वर्क ऑनलाइन ही होगा, मतलब कि वेबसाइट ही ऑनलाइन है। उसके अलावा यहाँ पे बाद लोगों के सामने पूछते हैं कि आप अपने कैनवा को किस लिए यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको कह सकते हैं कि मैं इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, और ओके कर दें। और यहाँ से ये कहता है कि आपने अपने मेरा प्रो वर्जन यूज़ करना है, तो आप इसको कहें कि मेरी पढ़ाई फ्री ट्रायल भी यूज़ ना करें, मुझे मे बी लेटर के ऊपर आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दें, मतलब कि हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे उसने अपना आपको इंट्रो करवा दिया कि ये आप इसके ऊपर हमने वर्क करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहें तो ये एक फोर यू है, दूसरा डॉक्यूमेंट है, दूसरा व्हाइट बोर्ड है, तीसरा प्रेजेंटेशन, फिर सोशल मीडिया, फिर वीडियोस, ये वाला वेबसाइट, और काफ़ी सारे और भी ऑप्शन मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि बुक कवर, फोटो कोलाज, और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप कैनवा में बिल्कुल फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं और पेड भी यूज़ कर सकते हैं। हम जितनी भी डिज़ाइनिंग है साड़ी की साड़ी बिल्कुल फ्री वाली देखेंगे, क्योंकि हर बंदा इसको बाय नहीं करता, तो हम इसको फ्री में ही यूज़ करेंगे। तो हम इसको फॉर यू के ऊपर सिंपली भी क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारी यूजिंग चीज़ें आ रही हैं जिनको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना है तो हम सारी की सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही सीखेंगे। अगर आप यहाँ पर कस्टम साइज क्रिएटेड डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इस पर अभी बस ये बताऊँगा कि ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेज में देखते रहेंगे। अभी हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, प्रेजेंटेशन जो कि आपकी वीडियो होती है, हम वीडियो को बाद में देखेंगे अगर करना हुआ, उसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट, उसके अलावा फ्लायर जो से आपके होते हैं ये भी सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं, या आपका साइज़ भी, आपने यहाँ पर सिर्फ उसको कहना है कि मुझे फ्लायर बना दो, उसने साइज़ भी इसका खुद ब खुद A4 चूज़ खुद ही कर लेगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट, उसके अलावा पोस्टर, उसके अलावा लोगो डिज़ाइनिंग करनी है, जो फेसबुक की पोस्टर होती है, जैसा कि आप लोग खुद भी अगर फेसबुक यूज़र हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि काफ़ी सारी पोस्टर आपके सामने आती रहती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इसकी लैंडस्केप में जितनी भी, मतलब कि जो इस तरीके से लेटी हुई तस्वीरें होती हैं लंबाई में, जिनकी हाइट कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है, तो उनको हम लैंडस्केप कहते हैं, तो यहाँ पे लैंडस्केप का भी ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम के पोस्ट एडिट करना चाह रहे हैं, उसकी स्टोरी एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों के सामने ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसा कि डिज़ाइन, स्पॉटलाइट, उसके अलावा बिजनेस, उसके अलावा एजुकेशन, उसके अलावा प्लानिंग, प्राइसिस, ये तो आपका प्रो वर्जन है, ये हम बाद में देखते हैं इसको भी। उसके अलावा लर्न, आपने अगर इसके बारे में कुछ भी रीड करना है, मगर आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर आपको इसके बारे में टीच करता रहूँगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे डिज़ाइन स्पोर्ट लाइन में। तो उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के पास, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, अगर मैं आपको क्लोज करके दिखा सकूँ तो ये देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है विजुअल डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आप लोगों के पास ये काफ़ी सारी चीज़ें, ग्राफिक्स, चार्ट, PDF, एडिटर, उसके अलावा व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, मगर ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स की हैं। हमने अपना इसकी तरफ अगर आ जाए फोटोज एंड वीडियोज़ की तरफ, यहाँ पर आपके पास वीडियोज़ आ जाती हैं, यूट्यूब वीडियो आ जाती है, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी और भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, मगर जो हमने मेन चीज़ें उसे देखनी है वो है हमारी प्रिंटिंग, उसके अलावा हमारी ये मार्केटिंग, ठीक है। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बिजनेस कार्ड।
जितना भी आप लोग अगर किसी लोकल मार्केट में भी जाएं, उसके अलावा ऑनलाइन भी हर जगह आपके पास एक एक कंपनी का कोई भी शॉप का बिजनेस कार्ड जिसको कहते हैं विफ्टिंग कार्ड भी कहते हैं, ये आपका यूज हो रहा होता है, जिसके ऊपर आपकी कंपनी का लोगो बना होता है, कंपनी का नाम, कंपनी का नंबर, कंपनी का एड्रेस। उसके अलावा आपके पास कार्ड एक ही बात है, बिजनेस कार्ड और कार्ड्स, ये शायद वेडिंग कार्ड की बात करनी है, हम इसको भी यूज़ करेंगे। उसके अलावा इन्विटेशन, उसके अलावा मग्स, टी शर्ट, हुडीज, उसके अलावा कैलेंडर, उसके अलावा लेबल्स। और मार्केटिंग में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे भी लोगोस, पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर, सोशल मीडिया, वेबसाइट, उसके अलावा जो आपके स्टिकर्स हैं वो, यार साइंस, उसके अलावा जो आपका QR कोड जनरेटर होता है, आपको पता होगा QR कोड का भी, जैसा कि आप लोग किसी भी कंपनी का देखें तो आप सिंपल एक QR कोड उसका देखते हैं। तो ये हमारा हो गया कि इसका ओवरव्यू, मतलब कि जो ऊपर से आ जाता है, ठीक है, जो इसकी ऊपर वाली चीज़ें। उसके अलावा बिजनेस में आपके पास जितनी चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि अगर आप लोग खुद देखना चाहें, ये सारी बिजनेस की चीज़ें हैं। उसके अलावा इसके प्लान प्राइस, एजुकेशन, आप लोगों को पता हो कि अगर आपने कोई टीचर की डिज़ाइन करनी है, वेलकम टू क्लास, सॉरी, एजुकेशन में स्टूडेंट्स के फ्री टीचर रिसोर्सेज, उसके अलावा LMS, केफ स्टडीज, उसके अलावा हायर एजुकेशन, ये 6 आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। हमने जो देखनी है वो बिजनेस के अंदर, डिज़ाइन स्पोर्ट लाइन में और एजुकेशन में, बाकी की जो दोनों चीज़ें हैं इनको छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि इसको आपने अगर साइनअप करना हुआ तो यहाँ से आप साइनअप भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें साइनअप का कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने किसी भी किस्म की कोई डिज़ाइनिंग करनी है, जिस तरह कि मैं अगर खुद कोई चीज़ को देखूँ यहाँ पे, जैसा कि ये एक मैंने देखा है, इधर ही एक साइड पे ऑप्शन आ रहा होगा। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन भी क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसा कि मैं लिखता हूँ बिजनेस कार्ड, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा जी बिजनेस कार्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे मुझे ऑप्शन आ चुके हैं, बिजनेस कार्ड लैंडस्केप, उसके अलावा पोर्ट्रेट में, उसके अलावा राउंडेड कॉर्नर, उसके अलावा स्केयर में, उसके अलावा US पोर्ट्रेट में, राउंडेड बिजनेस कार्ड, उसके अलावा राउंडेड बिजनेस कार्ड पोर्ट्रेट, मतलब कि जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जिसकी विड्थ कम होती है, हाइट ज़्यादा होती है, काफ़ी सारे मतलब ऑप्शन आ चुके हैं। जो मेन यूज होता है वो पहले बार आई है, बिजनेस कार्ड लैंडस्केप। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, इसको क्रॉस कर देते हैं ऊपर से, ये जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्या हुआ, मेरे सामने एक बिजनेस कार्ड का उसने पेज ओपन कर दिया और लेफ्ट साइड पे इसने काफ़ी सारी उसकी टेम्पलेट्स बना के मुझे ऑलरेडी दे दी हुई हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, एक मिनट, सॉरी, ये देखें यहाँ पे आप लोगों का, मेरी ओनर की जो मेरी यहाँ पे जीमेल लगी है वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ये मेरा नाम मोहम्मद सुबहान, उसके अलावा ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जितने भी गिफ्टिंग कार्ड हैं, मेरे नहीं, सॉरी, ये कैनवा के अपने हैं, सारे के सारे उसने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी पसंद है, जैसा कि अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, अगर मुझे चाहिए कि ये वाला कार्ड, तो मैंने सिंपल एक यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको चूज़ करना है और ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे इसका नाम चेंज करना है वो भी इजीली हो जाएगा। उसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंट, ये जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे चेंज करनी है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है, क्लिक किया, उसने मुझे वो चेंज कर दिया, मुझे कोई भी डिज़ाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना एड्रेस चेंज करना है और आपका एक बिजनेस कार्ड रेडी। अगर आपको फ्रंट पेज चाहिए तो यहाँ पे आपको फ्रंट पेज का भी ऑप्शन देना, हमने क्लिक करना है और यहाँ पे इसको कर देना है एड एज न्यू पेज, ठीक है। अभी तो हमने बस इसका ओवरव्यू भी देखना, जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कि इसकी जो बड़ी की चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी बताता रहूँगा, मगर अभी हमने इसकी जो ओवरव्यू है सिर्फ अभी हमने वो देखना है। तो मैंने आपको बता दिया कि हम इस तरीके से इसके अंदर सिर्फ क्लिक करके अपनी कंपनी का नाम, हर चीज़ अपनी मर्जी की चेंज कर सकते हैं। ये कैनवा का बिल्कुल फ्री में ऑप्शन है, मगर अगर हम प्रो की तरफ देखें कुछ इसका ज़्यादा उससे ऑप्शन है। जैसे तरह कि अगर आप लोग इसकी तरफ देखें तो एक ये वाला हमने कार्ड लिया, ये हमें बिल्कुल फ्री में मिल चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला कार्ड चाहिए, तो अगर आप लोग इसके साइड पे बिल्कुल देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो, ठीक है। इसको अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो आपके पास प्रो का ऑप्शन होना चाहिए, मतलब आपने इसको बाय करना है। उसके अलावा अगर इसको देखें तो ये फ्री है, ये वाला प्रो है, उसके अलावा फिर से ये फ्री है, ये वाला प्रो है, ये फ्री है, ये फ्री, ये प्रो, मतलब कि एक आपका दूसरा आ जाता है जो कि फ्री होता है और एक प्रो। इस तरीके से आधी चीज़ें आपकी प्रो और आधी दूसरे वाली जो कि बिल्कुल आप फ्री में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको भी देखना चाहें तो ये कितना कमाल का डिज़ाइन है, जिसके अंदर हमने अपनी सिर्फ एक इमेज को चेंज करना है, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम, मैं काम क्या करता हूँ अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दूंगा, अपने नंबर, अपनी जीमेल, अपनी वेबसाइट और अपना एड्रेस, और मेरा एक गिफ्टिंग कार्ड, एक बिजनेस कार्ड बिल्कुल फ्री में 2 से 4 मिनट के अंदर ईजीली रेडी हो सकता है, अगर आप लोगों को अपना डिज़ाइन पसंद आ जाता है। अगर उसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहें तो साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, डिज़ाइन के, एलिमेंट्स के, टेक्स्ट के, ब्रांड के, अपलोड के, ड्रा के, ऐप्स के,
ये सारी चीजें हम बाद में देखते रहेंगे क्योंकि ये एक इसके अंदर की चीजें हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम इसी को ओके कर देते हैं। मतलब कि हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमें बिल्कुल बने बनाए एलिमेंट्स, इस तरह के शेप्स, ये सारी चीजें, स्टिकर, फोटोज, कोई भी मोकअप, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाती हैं। सो ये कैनवा के काफी सारे फायदे हैं। अगर आप लोगों को बैग चाहना है तो यहाँ पे आप अपना बैग कर लें, जिस तरह के मैं यहाँ पे करता हूँ। ये होम का बटन है, होम पे चले जाएं और हम होम पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है तो आप इसको क्रॉस कर दें, नो इशू, क्योंकि हमारे सामने ये होम का पेज ओपन है। उसके अलावा अगर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है कि आपके जितने भी आपने प्रोजेक्ट रेडी किया होता है, आपको ये 5GB की बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में भी आपका, अगर जब आप एक वेबसाइट को अपना कोई भी काम रेडी कर लेते हैं तो बिल्कुल मुफ्त के अंदर आपको ये 5GB दे देते हैं, जिसके अंदर आप अपना डिज़ाइन बना बनाया यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर मैंने जिस तरह की आधी मेरी डिज़ाइनिंग हो गई है, अगर मैं इसको कंप्यूटर में काढ़ाऊँ और मेरी लाइट चली जाती है, तो उसका क्या होगा कि मेरी जो सी डिज़ाइनिंग हुई पड़ी है वो बिल्कुल भी अनसेव नहीं है, वो बिल्कुल सेव हो जाती है। अगर ये इस तरह क्लोज कर देते हैं हम इसको, और जितना भी हमने डिज़ाइन रेडी किया होगा वो कैनवा के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। हम चाहें बाद में इसको एडिट इजीली कर सकते हैं। रिसेंट डिज़ाइन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, खुद ब खुद यहाँ पे वो सेव कर देता है। आपको यहाँ पे अपलोड खुद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, जैसा कि हम आगे जाके भी ये देखेंगे। तो ये आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन दे रहा है। उसके अलावा आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलता है कि आपको कोई भी टेम्पलेट चाहिए जो कि कैनवा ने पहले से अपलोड कर दी हुई है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे योर ब्रांड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने ब्रांड का नाम लिखें और आपका डिज़ाइन लोगो रेडी, सिंपल सा वर्क। उसके अलावा बिजनेस का, सोशल मीडिया का, वीडियो का, मार्केटिंग का, बिजनेस कार्ड का, फ्लैट का, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। हम इसमें बैक आ जाते हैं। ये ब्रांड का ऑप्शन है, ये एक प्रो का है, तो ये ब्रांड किट होती है कि आपने अपने पूरे ब्रांड की जो किट होती है, अगर आपने वो मैनेज करनी है तो आप वो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। मतलब कि आपका लोगो भी, इमेज भी, हर चीज़ वो फ्यू क्लिक्स के साथ ही, इन जस्ट फ्यू क्लिक्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ क्लिक्स के साथ वो सारा का सारा चेंज कर देता है। मगर ये आपको पेड मिलेगा, ट्राइड फ्री 30 डेज के लिए, मगर फिर भी आपको अपना जो वीज़ा कार्ड वगैरह वो सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने अपना सिर्फ फॉर्म फिल देना है अपनी कंपनी का, अपनी कंपनी का आपने थीम देना है, वो आपको खुद ब खुद सब कुछ बता देगा और डिज़ाइन कर देगा। उसके अलावा ऐप्स का ऑप्शन है कि अगर आपने यहाँ पे कोई ऐप्स वगैरह का काम है, मगर ये टाइपक्राफ्ट है, हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि ये डिज़ाइनिंग से थोड़ा सा हट के काम है। अगर हमने इसको देखना होगा तो हम इसको भी बाद में देखेंगे, मगर जो मेन चीज़ है कैनवा के अंदर वो ये हम पहले देखते हैं, इसके जो क्रिएटिव डिज़ाइन है, इन सब के अंदर जितनी भी चीज़ें हम इन सबको अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अपना कोई भी कस्टम साइज़ देना है तो वो आप लोग यहाँ से क्लिक करते हैं अपना कस्टम साइज, मतलब कि मैं चाहता हूँ ये 100 पिक्सल्स, बल्कि अगर यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई और ऑप्शन चाहिए, जैसा कि इंचीज में, कि मुझे एक 10 इंचीज़ बाय कुछ भी कर लें, 40 इंच कर लें, तो आप इसको मुझे क्रिएट कर दो, तो वो क्रिएटेड डिज़ाइन आपको उसी साइज़ के अंदर क्रिएट कर देगा। जैसा कि अगर आप लोग ये देखिए, मैंने 10 बाय 40 किया है, तो ये उसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देखें, काफ़ी सारे उसने मुझे टेम्पलेट बिल्कुल मुफ्त के अंदर दे दी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे और ऑप्शन है डिज़ाइन वगैरह के। उसके अलावा यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन है, अकाउंट सेटिंग, मतलब अगर आपने अकाउंट वगैरह चेंज करना है वो भी, मगर अभी हमने इसको फिलहाल कुछ भी नहीं करना, तो हम इसको बैक कर लेते हैं। एंड एक और कमाल का ऑप्शन कि अगर आपने अपनी यहाँ पे टीम बनानी है, अगर आप लोग दो या दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, उसको आप लोग बता दें कि आप यहाँ पे कुछ मेरे जो टीम, अगर आपने यहाँ पे क्रिएटर टीम करनी है, क्रिएटर टीम करें, अपने उस बंदे की वेबसाइट लगाएं, अपनी लगाएं, और यहाँ पे मेरे टीम का नाम आ जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे पूरे का पूरा टीम, पूरी एक टीम बैठ के एक डिज़ाइन को रेडी कर सकती है, ऑनलाइन हो या फिर आप लोग एक कंपनी के अंदर बैठ के काम कर रहे हो। तो ये इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। कुछ जो नुकसान है वो नुकसान नहीं हो सकता, हम उसको कह सकते हैं, मगर जो कुछ ना अगर हो जाती है वो चीज़, मगर जिसमें प्रो की चीज़ें हैं वो अगर मैं फ्री में मिल जाती है, मगर वो फ्री में ही देगा नहीं, उसकी वजह ये कि वो इसने खुद किसी ना किसी बंदे को हायर किया होता जो कि यहाँ पर डिज़ाइन अपने अपलोड कर सकते हैं। तो सो हम इसके अंदर जो फ्री की चीज़ें हैं उसको भी यूज़ करते हुए एक बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन खुद क्रिएट कर सकते हैं, फ्लायर, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें डिज़ाइनिंग के हम यहाँ पे क्रिएट खुद कर सकते हैं। तो आज हमारा सिर्फ कैनवा की क्लास नंबर 1 के अंदर इसका ओवरव्यू था, इसका इंट्रोडक्शन था कि हमने इसके अंदर अपना काम कैसे करना है, अपना लॉगिन कैसे करना है। अगर आप लोगों को लॉगिन का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं canva.com, इसको यहाँ पे कैनवा के साथ लिख लें साइनअप,
ठीक है। आप जैसे ही लिखेंगे कैनवा साइनअप, तो यहाँ पे कैनवा साइनअप का ऑप्शन आ जाएगा क्रिएटिंग एंड लॉगिंग, और यहाँ पे आपको वो खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे हैव एन अकाउंट बट नॉट साइन इन, मेरा साइन इन है तो मुझे वो नहीं मांगे कहेगा। अगर आप लोगों का नहीं साइन इन है, अगर आपने बिल्कुल न्यू बनाना है, तो आप उसको साइनअप कर लें, आपका वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज क्लास नंबर 1 कैनवा की। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है और बाकी सारी वीडियोस को हमने वॉच करना है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। किसी भी किस्म का आप लोगों को मुझसे सवाल हो, मुझे प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को उसका जवाब दे सकूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका सवाल जरूर जवाब ज़रूर दूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।